सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्ट वैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना, क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फेक्शन। सॉफ्ट वैक, रहो हल्के, जियो खुल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। विनीत उपाध्याय यूपी के प्रतापगढ़ के एडिशनल SDM हैं। शुक्रवार 25 सितंबर को अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठे थे। 4 घंटे DM आवास पर धरना दिया। SDM ने DM डॉक्टर रुपेश कुमार, SDM शत्रुघ्न और SDM सदर मोहनलाल गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और जब DM ने मामले की जांच करने का आश्वासन दिया तब जाकर SDM ने धरना खत्म किया। पर अब जो खबर है वो ये है कि विनीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, और तो और इस पूरे मामले की जांच इलाहाबाद के कमिश्नर को सौंप दी गई है। इंडिया टुडे से जुड़े सुनील कुमार यादव ने यह बताया कि शुक्रवार की शाम में ही उन्हें निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई प्रशासन कर रही है। सस्पेंशन की खबर मिलने के बाद आपके नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, वाह रे योगी जी, सस्पेंड करना था जिस DM पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सस्पेंड कर दिया विनीत उपाध्याय SDM को जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। वैसे याद दिला दूं कि प्रतापगढ़ वही जिला है जहां DM ने 1,45,000 का एनालाइजर 3,30,000 में चीन से खरीदा। समाजवादी पार्टी के विधायक सुनील सिंह यादव ने ट्वीट किया, 150 से अधिक फर्जी पट्टे जारी करने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त जांच अधिकारी एवं ADM के खिलाफ आरोप लगाने वाले प्रतापगढ़ लालगंज के SDM विनीत उपाध्याय को ही योगी जी निलंबित कर देते हैं। आज भाजपा सरकार कंबल ओढ़ के घी पी रही है और जनता की आंखों में ईमानदारी के नाम पर धूल झोंक रही है। NPT से बातचीत में SDM विनीत उपाध्याय ने ये बताया था कि लालगंज इलाके के ददुआ गाजान में फर्जी तरीके से जमीन खरीद कर उस पर मान्यता ली गई है। इसका संचालन ददुआ गाजान की बजाय लालगंज से किया जा रहा है। इसी की जांच करके जब मैंने रिपोर्ट तैयार की तो स्थानीय नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे बताया था कि इस जमीन को सदर SDM मोहनलाल गुप्ता ने अवैध तरीके से पट्टा कराया था, जिसकी रिपोर्ट DM के माध्यम से शासन को जानी थी, लेकिन DM ने इस रिपोर्ट को नहीं भेजा। जब उन्होंने खुद पोल खोलना शुरू किया तो उन पर यानी विनीत पर दबाव बनाया जाने लगा। इसके विरोध में वो अपनी पत्नी के साथ DM आवास पर धरने पर बैठे थे। तो ये पूरी बात है जो उन्होंने बताई। बाकी आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर शेयर करें। देश दुनिया की और खबरों के लिए आप ललन टॉप के साथ बने रहें। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।